दोस्तों सब्सक्राइब करें ये एक्स मनाना यूट्यूब चैनल को और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए अपने मोबाइल पर इस बेल आइकन पर क्लिक करें। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं हवाई हुनर मोबाइल के बारे में कि कोई भी हवाई हुनर का मोबाइल अगर आप उसे फ्लैश करना चाहें MRT डोंगल से तो किस तरह से आप MRT डोंगल से फ्लैश कर सकते हैं। तो दोस्तों आप सामने ये देख रहे हैं ये हवाई का जो टूल है MRT डोंगल में सपोर्ट है और 2019 में लेटेस्ट टूल कंपनी ने निकाला है, ठीक है। इस टूल से आप कोई भी हवाई मोबाइल को फ्लैश कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ हवाई टूल से किस तरह से आप किसी भी हवाई मोबाइल को फ्लैश कर सकते हैं MRT डोंगल के माध्यम से और किस तरह से आप इस टूल को यूज कर सकते हैं और किस तरह से इस टूल को आप एक्टिवेट कर सकते हैं और किस तरह से आप इस टूल को बाय कर सकते हैं, क्योंकि ये टूल जो है फ्री नहीं है, पेड है। और इन सब के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं किस तरह से आप इस टूल को यूज कर सकते हैं, किस तरह से आप इसे एक्टिवेट कर सकते हैं, किस तरह से आप इसका एक्टिवेशन कोड जो है ले सकते हैं, खरीद सकते हैं, ठीक है। तो आप वीडियो को ध्यान से देखें और तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए आप यहां पर देख सकते हैं कि मेरे पास MRT डोंगल का हवाई टूल का सेटअप है, इसे मैंने एक्सट्रैक्ट करके रखा और फोल्डर के अंदर में ये जो टूल है इसे मैंने ओपन कर लिया, ठीक है। ये है हवाई टूल, ठीक है, फ्लासर, हवाई फ्लासर टूल, ठीक है। यानी आप इसमें इस टूल से जो है आप FRP भी अनलॉक कर सकते हैं हवाई मोबाइल का। तो चलिए मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस टूल में जो है आप जो यहाँ पर फ्लैशिंग भी कर सकते हैं और यहाँ जो है आप हवाई मोबाइल का FRP भी जो है रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। दोनों सिस्टम है इसके अंदर में और ऑप्शन आपको पता ही है कि स्टार्ट पे क्लिक करके आप जो है FRP रिसेट कर सकते हैं और फ्लैशिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो टूल है इस टूल में आपको मोबाइल को फास्ट बूट मोड में लगाना होगा और यहाँ से आपको फ्लैश फाइल जो है आपको सिलेक्ट करना होगा, ठीक है, अपने कंप्यूटर से। आपके कंप्यूटर में हवाई मोबाइल का जो भी फ्लैश फाइल होगा उसे आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप फास्ट बूट पे क्लिक करके, ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं मैं आपको यहाँ पे डेमो के जरिए से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ठीक है आपका फास्ट बूट में मोबाइल लगा हुआ रहेगा। उसके बाद आपका पोर्ट वहाँ सक्सेस लिखेगा, उसके बाद आप यहाँ पे जैसे स्टार्ट पे क्लिक करेंगे, यस करेंगे, ठीक है, तो फ्लैशिंग आपका शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से आप जो हवाई मोबाइल को फ्लैश कर सकते हैं। उसके बाद चलिए दोस्तों हम आपको बताते हैं कि इस टूल को किस तरह से आप जो है एक्टिवेट कर सकते हैं, क्योंकि बिना एक्टिवेट किए हुए ये टूल जो है आप नहीं चला पाएंगे, ठीक है। तो इस टूल को आपको एक्टिवेट करना होगा। तो यहाँ पे आप USB कॉम पे क्लिक करेंगे और USB कॉम पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे एक्टिवेट पे क्लिक करेंगे और जैसे आप यहाँ पे एक्टिवेट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको जो है एक्टिवेशन कोड मांगा जाएगा। तो एक्टिवेशन कोड आपको यहाँ पे डालना है और डाल करके आपको नीचे में यहाँ पे क्लिक करना है तो ये आपका एक्टिवेट हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये एक्टिवेट हो जाएगा, लेकिन ये एक्टिवेट होगा नहीं क्योंकि इसमें आपको जो है एक्टिवेशन कोड की जरूरत पड़ेगी और एक्टिवेशन कोड आपको जो है खरीदना पड़ेगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो यहाँ पे इनवैलिड की लिख रहा है, ठीक है, क्योंकि एक्टिवेशन कोड हमारे पास नहीं है। इस वजह से अगर एक्टिवेशन कोड आपको चाहिए, इसे खरीदना है, आपको इस टूल को यूज करना है तो वीडियो के साथ आप बने रहे और मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे आपको इस टूल का हवाई फ्लैशर टूल का आपको सेटअप डाउनलोड करना है और कैसे इसका जो एक्टिवेशन कोड आपको खरीदना है। तो वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ, वीडियो को ध्यान से देखें। दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये हमारी जो है वेबसाइट है और इस वेबसाइट पर आपको जो है हवाई फ्लैशर टूल आपको डाउनलोड करना है। डाउनलोड कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ कैसे आपको डाउनलोड करना है। जैसे आप यहां पर देख सकते हैं कि फ्री सॉफ्टवेयर पेज लिखा हुआ है, ठीक है, इस पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो एक दूसरा पेज ओपन हो जाएगा, वहां पे आपको ये हवाई फ्लैशर टूल आपको मिल जाएगा। उसके बाद एक्टिवेट करने के लिए आपको एक्टिवेशन पर क्लिक करना है और जैसे आप एक्टिवेशन पर क्लिक करेंगे आप यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे MRT डोंगल का इमेज लगा हुआ है और नीचे में यहाँ पे जो है प्राइस लिखा हुआ है। उसके बाद आप यहाँ पे MRT डोंगल हवाई टूल एक्टिवेशन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे आपको ईमेल आईडी पूछा जा रहा है, यहाँ पे आप अपना ईमेल आईडी डाल करके आप जो इसे बाय कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको वेबसाइट पर यहाँ पर रजिस्टर करना होगा, अपने ईमेल आईडी और अपने मोबाइल नंबर डाल करके आपको जो है वेबसाइट पर रजिस्टर करना होगा, तभी आप जो है इस टूल को बाय कर सकते हैं। और एक्टिवेशन कोड जो है आपके ईमेल पर आ जाएगा, जब आप एक्टिवेट कर लेंगे यहाँ से बाय कर लेंगे तो आपके ईमेल पर आपका एक्टिवेशन कोड आ जाएगा और उस कोड को जो है आप MRT हवाई टूल फ्लैशर में जो है डाल करके एक्टिवेट कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको वीडियो में बताया। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस टूल को, हवाई फ्लैशर टूल को आप ओनली MRT डोंगल में ही यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से आप हवाई फ्लैशर टूल को यूज कर सकते हैं, हवाई मोबाइल को फ्लैश कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें और मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।